हेलो दोस्तों नमस्कार हमारे लॉन्ग वीडियो में ये देखिए दोस्तों हमारे घर में बहुत परेशानियां बैठा है सर। मेरी वाइफ का तबीयत इतना खराब हो गया है कि खाना भी नहीं बना पाती है दोस्तों। आज तो बहुत ही तबीयत खराब है दोस्तों, इसलिए खाना नहीं बना रही, हमको ही खाना बनाना पड़ेगा। शाम से भी नहीं गया, बच्चे लोग का स्कूल डिस्टर्ब हो गया और इतना तबीयत खराब है, जितना दवाई दिया है आठ आठ गोली एक साथ खाने के लिए दिया है डॉक्टर, जा करके बुखार आ रहा है दोस्तों, सर में पूरा दर्द है, बदन में दर्द है। अभी मैं दवा खाना से लेके आया, अभी कोई सुबह से नाश्ता पानी भी नहीं किया है। बच्चे लोग अभी इनके हाथ पैर में दर्द है, तेल भी लगाया है इनको, तेल मालिश किया और डॉक्टर ने तेल लगाने का हाथ में दर्द है। अभी मैं जा रहा हूँ। हेलो दोस्तों, हमारे घर में ना हम दोनों के सिवा कोई नहीं है दोस्तों। जिनके ऊपर पड़ जाता है तो हमको ही करना पड़ता है सारा काम, हम लोग का कोई नहीं है, हम लोग अकेले हैं। और सुबह से ना कम से कम तीन चार बार उल्टी किया दोस्तों, और उल्टी करने से ना पूरा छाती में बहुत दर्द हो रहा है, इनको सीढ़ी नहीं चढ़ पा रही है, उतर नहीं पा रही है। हम लोग का कोई हेल्प करने वाला इधर नहीं है दोस्तों, हम लोग अकेले हैं इधर प्रदेश में, ना घर में भी कोई हेल्प करता है, ना इधर बाहर में भी कोई मतलब सब हमको करना पड़ता है। चलो दोस्तों जानते हैं ये पैदल नहीं चल पा रहे हैं, इसीलिए दरवाजे से रिक्शा करके लेके गया, 200 रुपया भाड़ा दिया दोस्तों रिक्शे का। और वहाँ आ जाने के बाद बहुत ही नंबर था, 40 नंबर था दोस्तों वहाँ से। 40 नंबर के बाद हम लोग को बैठे बैठे आया नंबर, तो रिलाइज करके लाया, ये दरवाजे के ऊपर से भी नहीं पा रही थी, हाथ पकड़ के ऊपर लेके आया। इनको आप कुछ बोलो, कहो दोस्तों को कुछ बताओ, भगवान से दुआ करो दोस्तों, ये सही हो जाए जल्दी से जल्दी। रो मत, सब भगवान दुख दूर कर देंगे दोस्तों। आप लोग दुआ कीजिए भगवान से, हम लोग का दुख तकलीफ दूर हो जाए। आप लोग ऐसे सपोर्ट कीजिए दोस्तों, जैसे हम मैं खाना बनाने जा रहा हूँ। ठीक है। हेलो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं मैं खाना बना रहा हूँ, इधर चावल बना रहा हूँ, इधर दाल बना रहा हूँ। तो बच्चे लोग नहीं खाएंगे तो कैसे रहेंगे दोस्तों, उनसे खाना तो बन नहीं पाएगा। पूरा घर में कपड़ा भी फैला हुआ है सब धोने के लिए, कोई कपड़ा नहीं धुल पाया, उसका तबीयत खराब है। बच्चे लोग पूरे घर में भंगार फैला हुआ, उनका तबीयत खराब हो जाता है दोस्तों, तो फिर सब काम मेरा बैठ जाता है, पूरा घर बैठ जाता है दोस्तों। इसीलिए भगवान से आप लोग दुआ करिए जल्दी से जल्दी सही हो जाए, ताकि मेरा घर सही हो सके, सही नहीं लगे दोस्तों, बस यही मैं कहूँगा। आप लोग सब कुछ कीजिए, हमारे आगे अच्छे से आप लोग मीडिया पब्लिक कैसे भेजें दोस्तों, आप लोग हमारे